रिया चक्रवर्ती की 2018 और 19 की नेट इनकम थी 14 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें 2019 और 20 की, तो इस साल में रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा में दो हाई एंड प्रॉपर्टीज खरीदी है, जिनकी वैल्यू उनकी इनकम से बहुत 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 ज्यादा है। और यही सब बातों पर सवाल करेगा अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो रिया चक्रवर्ती को समन करेगा 7 अगस्त को। ईडी अब इस मामले में आ चुका है। आपको बता दें कि ईडी ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है रिया चक्रवर्ती के सीए से। मुंबई में उनके फ्लैट पर मंगलवार के दिन पूछताछ हो चुकी है और अब 7 तारीख को रिया से पूछताछ होगी। क्या ये पूछताछ होगी, कितने लेवल में पूछताछ होगी, किस तरह के सवाल होंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको बता दें कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामला जो है, उसमें उनके फादर ने रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई है कि पैसों के लिए और धोखाधड़ी के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता बनाया, साथ ही फर्जी कंपनियां खोली गई जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। तो अब ईडी इन सारी चीजों पर छानबीन करेगा, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती से 3 लेवल्स में सवाल किए जाएंगे। सबसे पहले लेवल में रिया चक्रवर्ती से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि उनके फादर का नाम, लोकल एड्रेस और उनकी फैमिली डिटेल्स। सेकंड लेवल में रिया चक्रवर्ती से उनका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, वो कितना रिटर्न भरती है ये पूछा जाएगा, उनकी पैन कार्ड की डिटेल्स ली जाएगी, उनकी कंपनी का टिन नंबर लिया जाएगा, कंपनी में क्या काम होता है उसकी डिटेल, कंपनी का टर्नओवर क्या है इसकी डिटेल, कितने बैंक अकाउंट्स है, कितने बिजनेस है, भाई का क्या बिजनेस है, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज है और उनके पासपोर्ट की डिटेल्स, ये सब चीजें सेकंड लेवल में पूछी जाएगी। और तीसरे लेवल में जो पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर होगी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका रिलेशनशिप, सुशांत की फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप, सुशांत के साथ बिजनेस की डिटेल्स, ये सब चीजें पूछी जाएगी। 7 तारीख को फाइनली रिया चक्रवर्ती को भी ईडी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और ये सारी डिटेल्स रिया चक्रवर्ती को ईडी को देनी ही पड़ेगी।